आई रिक्वेस्ट यू, आई विल रिक्वेस्ट यू, मेरी आपसे गुजारिश है हमें कंप्लीट करने दीजिए, आप सवाल बाद में पूछिए। देखिए हम आपके सामने दो आदमी दिल्ली से आकर ये सारी बातें बता रहे हैं। देश में एक फिनोमिनन हो रहा है, एक बदलाव हो रहा है, उसके लिए जनता को एजुकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। जिस तरह का प्रचार आम आदमी पार्टी करती है, एक साल से यहां पर काडर आकर रुका हुआ है, उसको मैच करने वाला भी इस पॉलिटिकल सिस्टम में कोई है नहीं। तो जनता को कम से कम पता चले कि क्या झूठ 10 बार बताकर सच बनाई जा रही है या सचमुच में कुछ हो रहा है, ये बताने के लिए हम आए हैं। हाँ, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद सबसे पहला जो स्कैम हुआ, जिसके बारे में जनता को नहीं मालूम है, वो है गुटखा स्कैम। गुटखा स्कैम आम आदमी पार्टी ने 30 मार्च 2015 को, मैं आपकी सबकी ईमेल आईडी लिए ये प्रेजेंटेशन आपको मेल करवाऊंगा सबको, ताकि आपके पास सारी चिट्ठियां और सारे सबूत साथ में होंगे, गप मारने नहीं आए जी आपके साथ। तो 30 मार्च 2015 को आम आदमी पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, वी हैव पुट अ बैन ऑन परचेज, सेल, मैन्युफैक्चरिंग एंड इवन स्टोरेज ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ च्यूएबल टोबैको फ्रॉम टुडे। To implement the ban, several teams of Delhi Police, MCD, food adulteration will conduct surprise raids. The RWS will also be involved. इतना तगड़ा जो है बयान करा। उसके बाद थोड़ा सा मेल मिलाप हुआ, एक RTL फाइल हुई और सारा मामला दब गया। और कहने में आया है, इसका कोई जो है लिखित में तो नहीं आएगा, कि 700 से 1000 करोड़ का पूरा मामला बना है टबैको एसोसिएशन से, गुटका एसोसिएशन से। ये नंबर वन मामला था। उसके बाद है जी, नेक्स्ट वन वॉज प्रोहिबिशन स्कैम, जिसके बारे में इन्होंने बताया। दिल्ली सरकार ने अपने एजेंडे में प्रोहिबिशन को डाला था, 400 सिर्फ ठेके ही नहीं खुले, जो है औरतों के लिए पिंक जो है ठेके विशेष खुले। इसके अलावा ड्रिंकिंग एज को 25 से 21 कर दिया। इसके अलावा जो है उन्होंने तीन डिपार्टमेंट से तीन मंत्री लिकर शॉप को सुपरवाइज कर रहे हैं, टूरिज्म वाला अलग, एक्साइज वाला अलग, फूड एंड सप्लाई वाला अलग। और आज के दिन प्रोहिबिशन करने के बाद, ये सब डिक्लेरेशन करने के बाद, अब फोटो लगा रखे हैं कि 5000 रुपए का फाइन होगा, 30 लाख रुपए उस पर खर्च कर। एक तरफ ठेके बढ़ा दिए और एडवर्टीजमेंट भी निकाल दी कि जो है 5000 का फाइन होगा। उसके बाद ऑटो परमिट स्कैम हुआ, ये अखबारों में सारा आया था, 900 ऑटो परमिट जिनकी लाइफ खत्म हो गई थी उनको वापस सेल करा गया। इसमें गोपाल राय का नाम आया था, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का। ये मामला जो है सरकार ने लिस्ट किया था, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर कर रखा, उसका लिंक मैंने डाल रखा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, आप उस आर्टिकल को खोल कर देख सकते हैं। दिल्ली सरकार ने सीबीआई में उस मामले को ले जाने का जो है ऐलान किया था, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद ऑटो वालों ने, दो संगत थी, दो ग्रुप थे, दो सोशल ग्रुप थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी का बड़ा साथ दिया था। एक उनमें से थे हमारे जो झाड़ू वाले जो भाई हैं, वाल्मीकि समाज, जिनके हमने सिंबल को लिया था और हमने पार्टी को लॉन्च किया था वाल्मीकि समाज के मंदिर में, कॉलोनी में। आज वाल्मीकि समाज के 40,000 लोग दिल्ली में, जिनको हमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर से हटाकर आपको रेगुलराइज कर देंगे, वो आज तक वहीं के वहीं खड़े हैं, ये फैक्ट है। और दूसरा समाज है ऑटो वाले समाज, 1 लाख ऑटो है दिल्ली में, उनको उन्होंने अरविंद केजरीवाल का और हमारा 6 महीने प्रचार करा था, हमारे पोस्टर लगाकर और शीला दीक्षित का पोस्टर साथ में लगाकर ऑटो वालों ने पूरे दिल्ली में प्रचार करा था कि बेईमान की सरकार या ईमानदार की सरकार। और ऑटो वालों के साथ क्या हुआ है, ऑटो स्कैम परमिट हुआ, ऑटो लोन माफिया आज भी वही का वही है, ऑटो लोन में कोई सुधार नहीं हुआ, ना उनको जीपीएस या कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, ना उनको कोई ट्रेनिंग दी गई, वही के वही खड़े हैं ऑटो वाले। उसके बाद नेक्स्ट स्कैम हुआ दिल्ली में ऑड इवन का। दिल्ली में पर्यावरण और ट्रैफिक जैम एक बहुत बड़ी समस्या है, आप भी जब गए होंगे आपने देखा होगा। ऑड इवन के नाम से एक अटपटी स्कीम लॉन्च की गई, उसमें जनता को बताया कि भाई जो है गाड़ियां जो है बंद रहेंगी, आपको थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। पहली बार जनता ने कोऑपरेट भी करा, दूसरी बार पूरी स्कीम फेल हो गई। इसमें दो स्कैम थे, एक स्कैम तो सीएनजी किट का था, सीएनजी की जो किट आई थी, जो डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड से आई थी, वो मात्र जो है 200 आई,
200 जिनमें की सारे मापदंड पूरे होते हैं सेफ्टी के, और लगी 60,000 किट उसमें लग गई। उसमें पूरी में स्कैम था, पूरे में स्कैम था। और ये पूरी स्कीम भी इसलिए फेल हुई क्योंकि इसमें सीएनजी वालों को माफ करा गया था और जनता ने नकली सीएनजी वाले स्टिकर बना लिए और सीएनजी के जो है गाड़ियां लेकर वो चल दिए। तो चोरी का जो है माल है, जब चोरी करते हैं तो वो पूरा मटका भी डूब जाता उसकी वजह से, उसमें ये स्कैम था। दूसरा उससे बेनिफिशियरी हुआ ओला और उबेर। ओला और उबेर के ऐप सबके जो है मोबाइल पे लोड हो गए और उसमें से एक मोटी रकम दिल्ली सरकार को मिली। और जो प्रदूषण को कम करने के लिए बड़ी बसें चलनी चाहिए थी, मेट्रो चलनी चाहिए थी, उसके बजाय प्राइवेट टैक्सियों को बढ़ावा मिला और दिल्ली का प्रदूषण और बढ़ा। और वो अखबारों में आया और एनजीटी ने भी कहा कि प्रदूषण कम नहीं हुआ और बढ़ गया। ये जो है तीसरा स्कैम था। उसके बाद जो दिल्ली का रिज है, जो दिल्ली का फॉरेस्ट है, ये लॉन्ग टर्म है, एकदम एक दिन तो जो असर नहीं होता, लेकिन सबको मालूम है कि अगर जंगल को सारे को घिरवा दोगे तो जो है आपके प्रदूषण का तो जो है मात्रा होनी है। आपकी जो ऑक्सीजन, तो जो लंग्स है, रिज तीन रिज है दिल में जंगल, वो तीनों रिजों में 1,00,000 वर्ग मीटर से ज्यादा इंक्रोचमेंट पिछले एक साल में हुई है। मैंने खुद एनवायरमेंट पे काम किया और मैंने 3 चिट्ठियां लिखी इसके ऊपर, मुख्यमंत्री को आगाह किया है कि दिल्ली का सर्वनाश हो रहा है। ये ग्राम सभा की जमीन है, किसानों की छोड़ी हुई समली जमीन, इसको घिरवाया जा रहा है। और इसमें झुग्गी वाले नहीं है, इसमें 4-4, 5-5 कमरे वाले लोग, बंगलों वाले लोग इस पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन वोट की राजनीति के तहत उस पर कुछ नहीं करवाया। ये एक और बड़ा स्कैम है 1,00,000 स्क्वायर मीटर लैंड का, और ये एनजीटी में ये मामला चल रहा है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को मैंने वाल्मीकि समाज वाला बताया, और जो है टीचर्स जो थे, टीचर्स को भी प्रॉमिस किया गया था। अभी आपको मालूम होगा कि जो गेस्ट टीचर्स की सभा में मनीष सिसोदिया को हूटिंग करी थी और वहां से उनको छोड़ के जाना पड़ा था क्योंकि उन सबके साथ सेम स्कैम हुआ था। सरकारी स्कूल का मामला है, 1,000 स्कूल की बात कही गई है। ये मैं आपको अपनी विधानसभा के स्कूल का फोटो दिखा रहा हूं, ये मेरी विधानसभा का स्कूल है, मैं यहां वहां से कहीं से ले लिया, आप उसको देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या है। ये मैं आपको भेज दूंगा, इसकी छतें टूटी हुई है, खिड़कियां टूटी है, और ये दो तीन दिन पहले का है और मेरी विधानसभा का है, बर्थल गांव का है। केजरीवाल जी कहते हैं पिंडा में स्कूल खुला देंगे, मैं उन्हें कहता है दिल्ली च पिंड किन्ने हैं, नाम दस दो, मैंने दस नाम दस दे हो तो मैं तनु जो है वही आपकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। केजरीवाल जी कहते हैं गुजरात, गोवा या हो बंगाल, सबका मुख्यमंत्री बनना चाहिए, सिर्फ केजरीवाल कल्ला ही, कानून बदलना पड़ेगा, 5-6 राज्यों का एक मुख्यमंत्री चाहिए है, सारे राज्यों का है। तो एक दिन ऑड इत्थे इवन जो है दिल्ली च है, ऑड इवन स्कीम यही बनेगी, ऑड दिन इत्थे और जो है इवन दिन उत्थे, और बीच में जो है छुट्टी वाले दिन जो है गोवा छुआ होके आ जाना है। भाई साहब हमारी बातों को सुनेंगे आप, आपकी तो सुन लिया हमने, आप सर जी दिल्ली में मेरी सुन लो, पंजाब में आप मतलब मेरी गल सुन लो जी, आपकी मैं समझ गया, गल मेरी सुन लो, राजनीति मनु कर लेना दो, तुम पत्रकार रहो, ये सुन लो जी, ये ट्वीट का मामला है, ट्वीट की गल है जी सर जी, पंजाब के बारे में बताओ ना, मैं पंजाब की बता रहा हूँ जी, पंजाब की, ये पंजाब का ट्वीट है डिप्टी सीएम वाला, अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया कि मैंने सिद्धू को डिप्टी सीएम ऑफर करा था, उसने मना कर दिया, बड़ा बेईमान आदमी है ये डिप्टी सीएम वाला, जो पोस्ट है ये बड़ी खतरनाक पोस्ट है। पहले सिद्धू के बाद ट्वीट हुई, उसके बाद ट्वीट हुई कि जो डिप्टी सीएम देंगे जो है दलित को, और उससे पहले केजरीवाल जी ने ट्वीट कर रखा है 2 फरवरी को दिल्ली में कि मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करी है। अस्सी सुनान आए हैं, अस्सी सुनान आए हैं, तुम तो सारा मालूम ही है। हाँ मैं इतने जो है 3-4 जोड़ी जूते घिसा चुका, मैं इतने ही घिसा चुका,
महिला शोषण का जब मामला आया सी ना, तो मैं इतने ही आया सी, चंडीगढ़ में आके मैं ही आया था, महिला आयोग में मैं गया था, मेरे ऊपर एक केस जो है इन लोगों ने दर्ज करवा रखा है डिफेमेशन का, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक ने मेरे ऊपर चंडीगढ़ में अदालत में एक केस आम आदमी पार्टी ने डिफेमेशन का दर्ज करवा रखा है जी सर जी। तो जो असी फौजी आदमी है